किसेना पेरेरा एक भारतीय मॉडल थिएटर कलाकार फिल्म अभिनेता और स्ट्रीट डांसर है। अप्रैल 2023 में उसे संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मदक पदार्थ की तस्करी के आरोप में संयुक्त अरब अमीरात पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। किसेना परेरा का जन्म मंगलवार 15 अक्टूबर 1996 को मुंबई में हुआ था। उनकी राशि तुला है। 2014 से 2016 तक उन्होंने एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमी में मुंबई से बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडी की पढ़ाई की है। 2017 में उन्होंने द ड्रामा स्कूल मुंबई से अभियान में एक साल का सर्टिफिकेट कोर्स किया है। पिता का नाम मार्का परेरा है। उनकी मां प्रेमिला परेरा एक व्यवसायी महिला है। उनका भाई केविन परेरा इंटरनेशनल म्यूजिक यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप में मैनेजर है और भारतीय अभिनेता रुद्राज ठाकुर के साथ रिश्ते में है। 2017 में उन्होंने इशिता गांगुली द्वारा लिखित और निर्देशित हिंदी थिएटर नाटक श्री वुमेन में अभिनय किया है। उनके कुछ अन्य हिंदी थिएटर नाटक है द ड्रम रोल ऑफ फेस्टिवल ऑफ स्पीच और इनोसेसेस। 2019 में उन्होंने हिंदी फिल्म बाटला हाउस से अभियान की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने नंदिता की पार्लर दोस्त की भूमिका निभाई थी। 2020 में वह एक और हिंदी फिल्म सड़क दो में नैना दास के रूप में दिखाई दी। 2019 में उन्होंने MLX प्लेयर की शुक्ला थिकिस्ताना के साथ अपनी हिंदी वेब शुक्ला की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने कविता की भूमिका निभाई। वह 2022 में अमेजॉन मिनी टीवी शुक्ला मर्डर इन अगोड़ा में दिखाई दी। किससे ना कुछ हिंदी संगीत वीडियो जैसे यश नावेकर द्वारा हाय पीना कोलोड़ा ब्लूज और सागर वर्मा द्वारा हायर विल ग्लो में दिखाई दिए। उन्होंने विभिन्न प्रिंट शूट और फोटोशूट में एक मॉडल के रूप में काम किया है। वह बीओ ट्रोली मैडी मित्रा और H&M जैसे विभिन्न ब्रांडों के टीवी विज्ञापन में दिखाई दिए। अप्रैल 2023 में क्रिसेना को संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मदक पदार्थ की तस्करी के मामले में संयुक्त अरब अमीरात पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कथित तौर पर वह एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट के लिए ड्रग पेडलाकर के रूप में काम कर रही थी, जिसे भारतीय फरार गैंगस्टर रवि रतेसा चलाता था। गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसे शारजाह सेंट्रल जेल ले जाया गया। भारतीय वन्य दूतावास को गिरफ्तारी के बाद सूचित किया गया। एक इंटरव्यू में उनके भाई केविन ने उनकी गिरफ्तारी के बारे में बात करते हुए कहा था कि क्रिस्टेना ड्रग तस्करी की शिकार थी। उसके परिवार ने आगे बताया कि क्रिस्टेना के साथ रवि नाम के एक व्यक्ति ने धोखाधड़ी की थी। रवि ने सबसे पहले क्रिस्टेना की मां को संदेश भेजा कि उनकी प्रतिभा एजेंसी क्रिस्टेना को अंतर्राष्ट्रीय वेब शुक्ला में कास्ट करना चाहती है। एक इंटरव्यू में घोटाले के बारे में बात करते हुए उनकी मां ने कहा था।